नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। शिवहर लोकसभा सीट जो है काफी ज्यादा हॉट सीट बना हुआ है और आज जो है अंतिम दिन है नामांकन का वहां। और आज रितु जायसवाल जो आरजेडी की कैंडिडेट हैं शिवहर लोकसभा सीट से, वो नामांकन करने के लिए जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसमें अपार जन समर्थन उनको मिल रहा है और साथ ही साथ फूलों की बरसात जो है उन पर की जा रही है बुलडोजर से। और एक बड़े माले में रितु जायसवाल को जो है पहनाया गया है वो बड़ा सा माला, और उनकी गाड़ी पर ये माला दिखाई दे रहा है और उसके बीच से रितु जायसवाल लोगों का अभिवादन करती हुई नजर आ रही है। और जो फूल रितु जायसवाल पर बरसाए जा रहे हैं उन्हीं फूलों को रितु जायसवाल जो है जनता पर भी फेंक रही है, यानी कि जनता मालिक है। जिस तरीके से रितु जायसवाल हमेशा कहती हैं, दोहराती हैं, अपने सोशल मीडिया पेज पर भी वो इस बात को लिखती हैं कि जनता मालिक है, और जनता मालिक के बीच जो हैं वो जनसभाओं को संबोधित करती हैं, लोगों से बातचीत करती हैं, संवाद करती हैं। इसी कड़ी में वो जो जनता है उस पर भी फूल फेंकते हुए दिखाई दी, और एक अलग अंदाज जो है रितु जायसवाल का देखने को मिला, जिसमें वो तेजस्वी यादव के रूप में आ गई। और तेजस्वी यादव जिस तरीके से हाथ हिलाते हैं जनसभाओं में मुरिट्ठा बांध करके, उसी तरीके से रितु जायसवाल भी अपने हाथों को हिलाती हुई नजर आई हैं। और कभी गाड़ी से तो कभी पैदल रितु जायसवाल जो है बराबर जो है जनसभा को संबोधित करते हुए, रोड शो करते हुए वो नामांकन करने के लिए जा रही हैं। और इस बीच जो है पूरे शिवहर में जो है रितु जायसवाल जिंदाबाद के नारों से गूंज रहा है शिवहर। तो ये दृश्य जो है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जिसमें कि रितु जायसवाल जो है वो लगातार जो है पैदल भी चलती हुई जा रही हैं और गाड़ी से भी चल रही हैं, और साथ ही साथ लोगों का अभिवादन भी स्वीकार कर रही हैं। तो आप सबसे पहले वीडियो देखिए कि किस तरीके से रितु जायसवाल जिंदाबाद के नारों से गूंज रहा है शिवहर। तो आपने देखा कि किस तरीके से रितु जायसवाल जो है दम भर रही हैं और साथ ही साथ उनके जयकारों से जो है गूंज रहा है पूरा शिवहर। आपको बता दें कि शिवहर में उनकी लड़ाई जो है आनंद मोहन की पत्नी है लवली आनंद, उनसे होने वाली है, यानी आरजेडी वर्सेस जदयू वहां पे होने वाला है। जदयू के कैंडिडेट हैं लवली आनंद, और वो ये भी कह चुकी हैं कि लवली आनंद बनना बहुत ही मुश्किल है, जिसका जवाब रितु जायसवाल ने बखूबी दिया है। मंच से जो है उन्होंने आनंद मोहन पर करारा हमला बोला और कह दिया कि शेर 14 साल पिंजरे में क्यों था। तो ये बड़ी बात जो है रितु जायसवाल के द्वारा कही गई है। अब चुनाव जो है वहाँ छठे चरण में होना है, यानी 25 मई को शिवहर में चुनाव होना है। शिवहर में किसकी तकदीर बदलती है, किसकी किस्मत चमकती है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से रितु जायसवाल जो है तेजस्वी यादव लालू यादव का आशीर्वाद लेकर के चुनावी मैदान में कूदी हैं और पहली बार सांसद के लिए चुनाव लड़ रही हैं, यानी ये उनके भाग्य का फैसला भी करेगा कि वो संसद पहुंचती हैं कि नहीं, क्योंकि 2020 विधानसभा चुनाव में रितु जायसवाल जो है उन्हें आरजेडी ने एक बार टिकट दिया था विधायकी के लिए, जहां उन्होंने सीतामढ़ी के परिहार प्रखंड से चुनाव लड़ा था परिहार विधानसभा क्षेत्र के लिए, और उसमें उनकी करारी हार भी हुई थी। लेकिन फिर से जो है वो हिम्मत जुटा करके और सांसदी के लिए वो इस बार चुनाव लड़ रही हैं, और तेजस्वी यादव लालू यादव दोनों ने उन पर भरोसा जताया है और अपार समर्थन भी रितु जायसवाल को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से उन पर बुलडोजर से फूलों की बारिश हो रही है। और जो जन समर्थन है, जो सैलाब उमड़ पड़ा है उनके नामांकन में, आगे आगे रितु जायसवाल हैं और पीछे पीछे कई एक गाड़ियां हैं, और जनता जो है साथ चल रही है और अपना आशीर्वाद भी बनाए हुए रितु जायसवाल पे। तो इस खबर में इतना ही है फिलहाल। दर्श न्यूज के साथ बने रहें, ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट आपको मिलता रहेगा, इसलिए सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।